कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कुमार सिस्टर्स। और अभी क्या व्यू है यार, क्या खूबसूरती है। राइट नाउ वी आर इन एबटाबाद। इट्स बेसिकली डे टू इन एबटाबाद। गला भी खराब यार। अब पहाड़ों को छोड़े, आप देखिए बादल क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज। बादल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि आज बारिश होनी है। और अच्छा, अभी रात तक हम सोचे थे यार घर जाने, पर अब घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा। इतनी खूबसूरत जगह है और क्या मौसम है, ठंडा। हालांकि मैंने हाफ बाज मैंने मुझे कितनी ठंड लगी है, पर मजा आ रहा है। ये ठंड जरूरी बहुत है, मजा आ ताकि हम जाके याद तो करें कोई फ्लू लेके गए। यकीन करें टेक्नोलॉजी, ये व्लॉगिंग में आप बाकी तो देख सकते हैं ये व्यू कैसा है, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। ये नहीं आप देख सकते कि अगर हम कोई चीज़ खाएं तो उसका टेस्ट क्या होगा, या कैसा इन्वायरमेंट है, हवा कैसी चल रही है। तो अगर यहाँ की अभी आप सांस ले लेते ना तो आपकी तबीयत फ्रेश हो जानी थी, इतना मज़ा आ रहा है। मैं भी माम को कह रहा था, माम बंदा टेंशन में आके इधर बैठ जाए ना तो बंदे के सारी टेंशनें हल हो जाए। सोचती खूबसूरत जगह, यहाँ के लोगों को तो कोई टेंशन ही नहीं होती होगी। हाँ, बड़ा खूबसूरत है। ये कौन सा इलाका जगह है अपना? ये लंबा बंड है एबटाबाद में। एबटाबाद से तकरीबन कोई 10-15 मिनट का रास्ता है। वाह वाह, ये मिसाइल चौक से रास्ता मुड़ता है। मिसाइल चौक जी, साथ आपको पता है मेरे घर के पास भी एक मिसाइल चौक है। इधर भी मिसाइल चौक है। जनाबाद इसको कहते हैं, मिसाइल चौक। अच्छा, आप लेफ्ट टर्न करेंगे जब आप पिंडी या पिशावर से आ रहे हो तो लेफ्ट टर्न करेंगे तो 15 मिनट का रास्ता है। और जगह क्या खूबसूरत है ये, जब आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से उस साइड पे जो मानसेरा नजर आता है सारा, और फिर नारायण कागान की पहाड़ियाँ नजर आती है, तो वो बहुत खूबसूरत है। जब अभी हम टॉप पे जाएंगे ना, अभी हम बात कर रहे थे कि पहाड़ों की, तो फिर अपनी जगह आसमान की देखो ना आज क्या इधर मौसम क्लियर होता है ना, इधर बारिश ज्यादा होती है इसलिए। अर्तुगरुल गाजी, ओ कुछ बहुत मजे का हो रहा है जमाल। बारिश शुरू हो गई, अभी हमने शूट भी नहीं शुरू किया, कितना मजे का एडवेंचरस हो रहा है ये सब। अच्छा जी, तो बारिश शुरू हो गया और हम वहाँ के अपनी गाड़ियों स्ट्रेसफुल सिचुएशन और भाग और मेंटल अलर्टनेस हम के लिए। हाँ, जमाल तो एंजॉय कर रहा है, पर ये कितना मजा आ रहा है, बारिश शुरू हो गई, अब हम भागे भागे अपनी गाड़ी में जाएंगे और अभी हम एंजॉय करेंगे। बारान शुरू शो, बारिश शुरू हो गई, बारान शुरू शो, भागो भागो, ठीक शो। सर जितने बादल हैं, मैं तो वेदर में पहले ही देख रही थी कि बारिश होनी है। ओके, तो ये हम जमाल साहब, ठीक शो, राशा कहाँ है? आ जा। ये भाई मेरा बैग भी मेरे भाई ने साथ साथ पकड़ा हुआ। हाउ क्यूट, हेलो। और वालों देखो, सीखो संस्कार संस्कृति। ये है यामाहा का जनरेटर। जमाल देखे आपने कभी पहले? कमाल है, पीटीवी पिशावर से ना। हाँ जी भाई, चलो भाई, चलो चलो चलो। यार मैं तो आके थोड़ी देर शूट की गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, तो मेरे तो सारे बाल खराब हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि कुछ हम अम्ब्रेलाज वगैरह लाए हैं, वो लगा कर तो हम शूट करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इतने दिन हो गए मैं यहाँ पर, चौथा दिन है मुझे और आज की लास्ट डेट है इनके पास मेरी। तो आज इन्होंने काम ख़त्म करना है सारा, और अल्लाह खैर करे अब अच्छा अच्छा हो। बट ऑनेस्टली ये तो ठीक है, आप जितनी भी खूबसूरत जगह देख लो और सब, लेकिन घर की तो याद आती है। और आई एम एक्चुअली मिसिंग अम्मा अब्बा सब, बहन भाई सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पर ये इधर इंजॉय भी बहुत करी और अब बस ये है कि जल्दी जल्दी से घर पहुँच जाओ। तो ऐसे हैं बाकी यार, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। मतलब रुको, कैमरा सेट करके ना थोड़ी बातें करते हैं क्योंकि मैंने इसके साथ सुन लिया। हां सही सही, आप तो यतीम है। तो बस यार मैं ये कह रही थी कि लाइफ जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है। मैं ये कह रही थी कि यार पता नहीं जिंदगी में भी कितना सफर लिखा है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे चीजें होनी है।
मतलब अभी 3-4 दिन पहले तक पता भी नहीं था कैसे मैंने एबटाबाद आना है, यहाँ पे सफ़र करना है, यहाँ पे हमारा रिस्क लिखा हुआ है, हमने आना है, कुछ यहाँ खाना है। और कल मेरे भाई की एक फ्रेंड है, उनकी तरफ हम इफ्तार पे गए, इतना मज़ा आया, पर मैं उस चीज़ को शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई कैमरे के आगे तो नहीं आ सकता, तो मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता कि यार मैं ऐसे कैमरा ऑन करूँ। तो यस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड बहुत सारी मेमोरीज हम इधर से भी बना कर लेकर जा रहे हैं। बेसिकली यार व्लॉगिंग जो है ये मुझे लगता है कि हम एक मेमोरीज का एक ग्रुप सा बन रहा है और मेमोरीज हमारी सारी इकट्ठी हो रही हैं जो हम कभी आगे ज़िंदगी में जा कर देखेंगे हमने कैसे कैसे काम किया, क्या क्या इन्जॉय किया। और हाँ, बट आई एम इमोशनल बिकॉज़ आई एम मिसिंग माय फैमिली। यस, पापा, मम्मा, बहन, भाई, सबसे बढ़ के जमाल की जो बेटी है छोटी आइजल, इसको तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ये मतलब लिटरली मेरी जान है और मैं जैसे ही वीडियो कॉल कर रही हूँ ना अभी घर, कहती हूँ मुझे जल्दी जल्दी से आइजल दिखाई, जल्दी से आइजल दिखाई मेरे आइजल को देखने। तो ये है बस, और आज हैं कोई 2-3 सीन्स हैं मेरे रह गए, अल्लाह करे अब बारिश भी शुरू हो गई, आज अगर वो कम्प्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आज रात को हम घर के लिए निकलेंगे या फिर कल सुबह। तो यार ये आपको मेरा अंगूठा नज़र आ रहा होगा, मैं रात को ना नेल पॉलिशेस ट्राई कर रही थी, मुझे रात को मैं जिनके घर की उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट्स भी दिए थे, अभी तक मैंने खोल के नहीं देखे, तो हाँ बस ये छोटी सी गिफ्ट हूँ और चलते हैं सीन करने के लिए। जी मैम, जी अस्सलाम वालेकुम। अभी वो कुछ क्लोज शॉट्स चल रहे हैं बाकी दीगर आर्टिस्ट्स के, तो मैं और महाम हम लोग इधर पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, देखें, और दिस इज द इर्द गिर्द का नज़ारा। अभी कह रही थी अच्छा तुम अभी व्लॉग बनाओ कुछ ना, मोहब्बत की गपशप करो। मैं कह क्या व्लॉग श्लॉग बनाना है, मोहब्बत की गपशप का घर जाके मूवी तो दिखाना है। सही बात है, क्यों कौन सा कोई इधर ही रह जाना, तो मोहब्बत की वही बात करो जो बेगम से मोहब्बत होती है। ऐसी है, ऐसे ही नहीं है बेटा। तेरी गली में आया पुल के जी, चंगा भला सी मैं लुटपुट गया, मैं तो लटपट गया हूँ। क्या वैसे इस मौसम में ना यहाँ पे मैं अगर आता ना बगैर रोजे के, तो मैंने चाय पीनी थी और समोसे पकोड़े खाता इफ्तारी में खाने। यार आईफोन किस टाइम बिल्कुल ही जहर हो जाते, इतना हकीकत चेहरा दिखा रहा है, अपने आप से नफरत हो जाती बंदे को। चलो इधर एक थंबनेल के लिए रुक जाओ एक सेकंड। जमाल, अगर हमने एक रोज को चांद पर भेजना हो तो हम क्या कहेंगे उसे? रोज पैटर्न हम कहेंगे गुलाब जामुन। आपको लोटा ला दूं? गुलाब जामुन आपको लोटा ला दूं भैया? नहीं यार, शौचालय आयो लाफ्टर खा गया तुम। हाँ, बोलो जमाल, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कायनात तो वैसे ही चलती रहती है, आप चाहते रहते हो, एंड पे आपकी फोगिया खाला की बेटी से शादी हो जाती है। हमें तो अपने लूटा अपने गैरों में कम था। हमारी किश्ती डूबी, वहाँ पानी कम था। अच्छा वैसे मोहब्बत मैं सोचती हूँ, गाइस को दिखाती हूँ, गाइस को एक मिनट में एक सीरियस बात करने लगी। अच्छा मैं ये कह रही थी कि दुनिया में क्या ही होता अगर जिस जिस को आप चाहते हैं आपको वो मिल जाता। एक मिनट, इधर क्या
लोगों ने आपको अपना बन गया। तुम कभी सीरियस बात नहीं कर सकते, तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? है? नहीं। मोहब्बत अच्छा मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज है। इंपोर्टेंस ही नहीं देंगे यार, तुसी सुधर जाओ नहीं तो मैं पोला रिकॉर्ड नु तुम्हारे कोल छोड़ देना। उस पोला रिकॉर्ड देगा बंदे दा पुत्र बन जा। हुस्न पोला रिकॉर्ड नहीं है, पता नहीं का ओ साहिबा हुस्न पहाड़ों का कहना के बारों महीने यहाँ मौसम का क्या कहना कि बारो महीने। रोल दीजिए जान तो फ्रेम से आउट हो गई। फ्रेम से नहीं सर, जिंदगी से आउट हो गई। अच्छा जी, तो गाइस आज के सीन्स थे हमारे इस पहाड़ी इलाके में जो कि शॉर्ट्स हमने आपको व्लॉग में भी दिखाए। तो माहम हैज डन अ वंडरफुल जॉब टुडे एंड आई वाज असिस्टिंग हर वेरी नाइसली। रोज़ा भी था, बहुत ज़्यादा लगा है। अब रोज़ा खुलने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं और तैयारी चल रही है। एंड इसी तरह आज के व्लॉग का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।